चलो बेटा करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम कर रहे हैं मिसलिनियस का एग्जांपल। तो आज पिक कर रहे हैं एग्जांपल 17 ओल्ड बुक का एंड एग्जांपल 14 न्यू बुक्स का। एग्जांपल 14 है न्यू बुक्स में। पढ़िए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। क्या दे रखा है ऑब्जर्वेशन का एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। वेरिएंस कितना है 8.24। थ्री ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 1 2 एंड 6। अगर तीन ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे बच्चा 1 2 एंड 6। फाइंड द अदर टू ऑब्जर्वेशन। तो बाकी के दो ऑब्जर्वेशन निकालनी है। एक बात सुनो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी इस वाले क्वेश्चन में, याद है इस वाले में भी, कि जब आपको ऑब्जर्वेशन नहीं पता लेट कर लो। अगर 20 है तो x1 x2 x3 x20 तक, 30 है जितनी भी उसको लेट कर लो। यहां तक क्लियर? ओके। अब सर मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल बताओ? 5। 5 में से पर कितनी है 3। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी मेरी 1 2 6 x and y, राइट? बोले ज्यादा क्लियर? अच्छा जी, अब बाकी की दो निकालनी है। सर मैं x1 x2 भी ले सकता था। सबसे पहले क्या दे रखा है, मीन कितना है 4.4। तो आओ पहले मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, राइट? तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख दूं? तो चलो लिख ही देते हैं फॉर्मूला। खाना स्पीड पकड़ लेना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 1 + 2 + 6 + x + y / 5 किसके इक्वल होगा 4.4। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। 1 2 6 9। x प्लस वाई कितना बैठा बेटा 13। बोले यहां तक क्लियर? मैं नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ के चलता हूं। रीजन बता सकते हो क्यों? कि यस, कि अगर मान लो मेरे को कोई वैल्यू निकालनी है, लेट सपोज एक्स निकालना है वाई निकालना है, तो स्पेस तो मिल जाए, ठीक है? अक्सर बच्चा ये मिस्टेक करते हैं, वो यहीं से शुरू कर देगा इसके नीचे से। एक लाइन हमेशा मिनिमम। और क्या कहते हैं क्वेश्चन? वेरियंस। वेरियंस दे रखे 8.24। इससे पहले मैं आगे चलूं, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा याद है? वेरिएंस के कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, ये देखो 1 2 3 4 फॉर्मूले लिखवाए। कौन सा वाला यूज होगा? ये वाला साफ साफ लिखा हुआ मैंने, व्हेन सम फिगर्स आर मिसिंग, यानी जब कुछ वैल्यूज ना हो। वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट? मेरे पास एक्स बार है, एक्स बार है 4.4। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ? सिग्मा एक्स स्क्वायर किसे कह रहा हूँ, एक मिनट, क्या एक्स स्क्वायर इसको बोल रहा हूँ? नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब इन सब का स्क्वायर। एक्स मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, राइट? तो करते हैं जरा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन मैं डायरेक्ट कर दूं, वेरिएंस की जगह आगे 8.24। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी इन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + x² + y² अपॉन में कितना n, कितना 5 माइनस 4.4 का होल स्क्वायर। बोले यहां तक क्लियर? यस और नो? अब आगे बात करते हैं इसकी। निकालो 8.24। मैं निकालता हूँ, मेरा आ गया ये 196 और मैंने ऐड कर दिया इसमें 36। 196 और 36 टू, होल्ड ऑन मैं दोबारा करता हूँ। तो मेरा हो गया 4.6 हो गया 19
1936 चेक करो, यानी 19.36 आएगा। ईयर है चेक कर लो एक बार, ईयर है ना, ठीक है 8.24, इसको इधर कर दिया मैंने 19.36 इसको, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, पांच, पांच और 36 कितना होगा इसका टोटल बेटा, 27.6 41 + x² + y² बोलो यहां तक क्लियर, यस और नो? ये 5 यहां पर आके मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, याद है ट्रिक? नहीं याद, 2 से डिवाइड कर दो, 138 आएगा। चेक करके देखो एक बार जल्दी से, मैंने करा 138, वही आ रहा है 138। 41 + x² + y² बेटा, x² + y² की वैल्यू कितनी आई, 41 मैंने माइनस किया 38 में से 3 कम हो गए मेरे 97। बोलो यहां तक क्लियर? अब वैल्यू निकाल लो बेटा, सॉल्व कर देखो, दो इक्वेशन है, एक और दो, सॉल्व कैसे करूंगा एग्जैक्टली? x निकाल लो, क्या हो जाएगा 13 - y, ये फर्स्ट, ये किस में डाल दो, ये वैल्यू किस में पुट कर दो, पुट वन इन, क्या हो जाएगा 13 - y² + y² = 97। एक बार बुक से चेक करो, यही लिखा हुआ है जल्दी से, कि ये दो इक्वेशन बनी है मेरी, मैं तब तक सॉल्व कर रहा हूँ, 169 + y² - 26y + y² = 97। y² 2y² यही है 26y, 169 में से 97 गए बेटा, कितना हो जाएगा 170 में से 90 उड़ा दो पहले, तो कितना हो जाएगा 170 में से 90 मेरा हो गया 80, ठीक है। अब दो का डिफरेंस है, दो ऐड करने हैं, 82 हो रहे, रुके एक मिनट, वैसे कर लेते हैं ना, 169 में से हमने 90 मारे, मैं इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, मैं भी ना दिमाग अपना खामा का मैं खराब कर रहा हूँ, 169 में से बेटा कर दो सीधा 69, 3 ऐड कर दो 72 आ रहा है, y² - 13y - 36। अब ऐसे फैक्टर की माइनस करूँ तो 13 आए और प्लस करूँ तो 13 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो तो एक हो गया y - 9, एक हो गया y - 4, y की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। तो अब x निकाल लो बेटा, तो वैल्यूज क्या आ गई मेरा, एक्स ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, यानी जो निकालनी थी, देखो ना 4 और 9 या 9 और 4 बात एक ही है, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर कर नहीं रहा ना यहाँ पर, कि भाई पहले कौन सी दूसरी कौन सी, बोलो क्लियर या कंफ्यूजन? अक्षदीप को कंफ्यूजन है, नोट करिए सर राइट नाउ,